देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में असलम जी एडमिट हुए हैं, ये यूपी से हैं। उनको सीए थायराइड है और नोज में भी प्रॉब्लम था। असलम जी हमारे यहाँ 7 दिन एडमिट हुए और इनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया। ये खुद बताएंगे कि इन्होंने पहले क्या ट्रीटमेंट किया है और अभी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद ये किस किस तकलीफ से आए थे और उनको क्या फ़ायदा हुआ है। क्या तकलीफ थी असलम जी आपको? गले में दिक्कत थी, वो सही हुआ, वो फर्क आया है। नाक में भी कुछ प्रॉब्लम था? हाँ, नाक में प्रॉब्लम था, ब्लीडिंग कभी कभी आती थी, वो नहीं आई। नहीं आई है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। कितना परसेंट अपन बोल सकते हैं 7 दिन में ही? 50%। अच्छा। असलम जी आप इससे पहले कोई और इलाज ले चुके हैं? हाँ, एलोपैथिक आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक और एलोपैथी लिया, उससे कोई फायदा महसूस हुआ आपको? फायदा तो था उससे भी। फिर आप देवी अहिल्या क्यों आए? मैंने वीडियो देखा जी, फिर उस पर विश्वास किया जी, फिर चले आए। तो आपको क्या लग रहा है, ये विश्वास आपने जो किया, जो वीडियो आपने देखा, क्या बिल्कुल सही आप जैसा देखा था वैसा ही पाया? हाँ, वैसा ही है। वैसा ही पाया जी। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे जो मरीज इस तरह के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आए और यहाँ पे इलाज कराए जी। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। ठीक है असलम जी, हम 7 दिन की इलाज के बाद आपको मेडिसिन दे के डिस्चार्ज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो हमने आपको प्रिकॉशन बताए हैं खान पान का, उसका ध्यान रखेंगे और निश्चित इस बीमारी से बाहर आएंगे। धन्यवाद। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।